तो आइए। मेरे भगवत प्रेमियों, मैं आपका बेटा, आपका बच्चा योगेश महाराज फिर से आपके बीच में एक बहुत सुंदर चर्चा लेकर के आया हूं। माँ भगवती की कृपा से आपकी सेवा करने का ये शुभ अवसर जो मुझे मिला है, कभी अगर अपने बेटे की याद आए, जरूरत पड़े तो अवश्य याद करना। कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है, वैसे हमारा नंबर है 97194734। लेकिन आइए सत्संग का आनंद लेते हैं। एक निर्जन वन में संसार से विरक्त योगी अपनी साधना में तल्लीन था। संयोग से एक राजा शिकार करते करते रास्ता भूल करके उस जंगल में पहुंच गए। वहां उस तपस्वी को योग साधना में तल्लीन देख करके उसने आसपास के पेड़ों से पुष्प तोड़े और योगी को पुष्पांजलि भेंट करके वहां बैठ गया। ध्यान से निवृत्त होकर के जब हमारे महात्मा जी योगी जी ने आंखें खोली, सामने राजा बैठा है। देख करके उसने स्वागत किया, राजन आपका स्वागत है। योगी ने जब राजा का स्वागत किया तो राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, आप मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? हे योगीराज, इस सम्मान के योग्य तो आप हैं, क्योंकि आपने धन परिवार और क्रोध आदि विकारों का त्याग किया है। ध्यान से सुनिएगा मेरे बंधु, अरे आप साक्षात देवता हैं। इस पर योगी ने कहा, हे राजन, आप मुझसे भी बड़े त्यागी हैं। राजा ने पूछा, वो कैसे? योगी ने कहा, मैंने अपने घर का कचरा झाड़ू से बुहार कर बाहर फेंका है, इसमें त्याग कैसे? आपने तो अपने भवन में रखे हुए बहुमूल्य हीरे जवाहरात उठाकर के बाहर फेंक दिए हैं, इसलिए हे राजन, आप मुझसे बड़े त्यागी हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बंधु, राजा ने कहा, हे योगीराज, इस पहेली को स्पष्ट कीजिए, इस पहेली को स्पष्ट कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वे बोले, मैंने तो केवल धन और परिवार जैसे निर्थक कूड़े कचरे को ही छोड़ा है, आपने तो परमात्मा, आत्मचिंतन, मोक्ष एवं साधना जैसी महान वस्तुओं का त्याग कर रखा है। अब आप ही बताइए, महान त्यागी आप हुए या मैं? राजा के विवेक के नेत्र तच्छु खुल गए और उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया। राजा ने कहा, हे योगीजन, महान तो आप ही हैं, क्योंकि आप जैसे अज्ञानियों को कितनी सरलता से सत्य का ज्ञान करा देते हैं। आप हमारे जैसे अज्ञानियों को ज्ञान की ये पाठ पढ़ा देते हैं, एक पल में ही, इशारे में ही। आपका त्याग बहुत बड़ा है, मुझे क्षमा कर। जा दिन छोड़े अपना तेरी बाई दिन हर को है जाएगो। सुनिए भजन के द्वारा क्या बताया। जात न छोड़े अपना तेरी बाई दिन हर को है जाएगो। जात न छोड़े अपना तेरी बाई दिन हर को है जाएगो। हर को है जाएगो बाबरे प्रभु को है जाएगो। जात न छोड़े अपना तेरी बाई दिन प्रभु को है जाएगो। बेटा बेटी भाई बहना
सब झूठे नाते कहना। बेटा बेटी भाई बहना ये सब झूठे नाते कहना। बाद न एक दृष्टि हुए तेरी बाद न हर को है जाएगो। जाद न छोड़े अपना तेरी बाद न प्रभु को है जाएगो। जिनको अपना अपना कहता उनसे ही दुख ज्यादा सहता। अरे छोड़ दे जा दिन हेरा फेरी बाई दिन प्रभु को है जाएगो। जा दिन छोड़े अपना तेरी बाई दिन प्रभु को है जाएगो। इस दुनिया को अपना माना। काउ दिन लग जाए यम की फेरी पड़ो सब यही पर रह जाएगो। काउ दिन लग जाए यम की फेरी पड़ो सब यही पर रह जाएगो। तो लीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ी ही सुंदर बात बताई गई है। जब इधर में महाराज परीक्षित को 7 दिन का श्राप लग गया और जो उन्हें वो श्राप लगा वो कर्म के कारण लगा, क्योंकि अगर वो मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में नहीं डालते तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि उन्हें 7 दिन का ये श्राप नहीं देते। इधर में जन्मेजय ने यह प्रण किया कि मैं एक भी नाग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देवराज इंद्र ने उन्हें समझाया, महाराज राजन संसार में प्राणी
अपने कर्मों के अनुसार ही जीता है और मरता है। कर्म के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। इसलिए भक्तों, हमारे नारद जी ने भी कर्म के भोगों का बड़ा ही सुंदर प्रतिपादन किया है। नारद पुराण में यमलोक में भांति भांति के कलेश उठाने पड़ते हैं। कोई पांसों में बांधा जाता है, कोई अंकुश से भेदा जाता है, किसी की आंखें खींच ली जाती हैं, किसी की नाक पर लोहे का भार लटका दिया जाता है, पीने को पानी तक नहीं मिलता है, अत्यंत दुखों से यात्रा करते हैं। ये सब कर्मों का फल है प्यारे, ये सब कर्मों का फल है। जिस प्रकार से एक किसान अपने खेत में जो बोता है उसे वही काटने के लिए मिलता है, ऐसे ही हमारे तुम्हारे जीवन में भी ये जो कर्म की खेती हम जैसा करते हैं, हमें वैसा ही आगे भोगने के लिए मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो फल बोए वही फल चाखा। हम अपने किए हुए कर्म से कभी बच नहीं सकते हैं। जो हमने कर्म किया है उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। दुनिया वालों की आंखों में आंख धूप धूल झोल झोंक सकते हो, दुनिया वालों की आंखों में आप धूल झोंक सकते हो, लेकिन जो कड़कड़ में बसा हुआ है, जो हर पल की जानने वाला है, जो हर समय हमारे साथ रहता है, उससे कुछ हम छिपा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष का ध्यान देना है, क्योंकि वहां जो खाता है, जो वही खाता है, उसमें जो आप करते हो वही लिखा है, और वह हिसाब हमें देना ही होगा। क्या बताया है कवि ने इस भजन के द्वारा, सुनिएगा। गौर करिएगा प्यारे, कर्म जो हम करते हैं उसका लेखा जोखा उस परमात्मा किया। इसलिए सावधान होकर के कर्म करना, क्योंकि जो हमने कर्म किया है उसका फल, उसका भोग हमें ही भोगना है, और कोई दूसरा भोगने वाला नहीं। मेरे दाता के दरबार में सबका है वही खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका है वही खाता। जो कोई जैसी करनी करता, और जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सबका है वही खाता। यारे पल पल की जानने वाला, उससे क्या छिपा है। मेरे दाता के दरबार में सबका है वही खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका है वही खाता। जो कोई जैसी करनी करता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सबका है वही खाता। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, कितनी सुंदर बात लिखी है। एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए बड़ा अनमोल। यहां सभी के लिए नियम एक कर्म है, और क्या है सुनिएगा गौर से।
गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। अरे प्रभु की पुस्तक में किसी के, प्रभु की पुस्तक में किसी के सबकी कर्म कहानी। अरे क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अरे अंतर्यामी अंदर बैठा, अरे अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सबका है वही खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका है वही खाता। प्यारे क्या साधु क्या राजा क्या रानी है, सबका हिसाब मेरे ठाकुर की पुस्तक में लिखा हुआ है। क्या तुमने किया है और क्या नहीं किया है। अरे बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। अरे बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। अरे किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा। अरे किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा। अरे इसीलिए वह दुनिया का, अरे इसीलिए वह दुनिया का जगत पिता कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सबका है वही खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका है वही खाता। प्यारे जो हमारे नसीब में है उसे कोई हमसे ले नहीं सकता है और जो नहीं है वो हमें मिल नहीं सकता है। उसका तराजू ऐसा है जो हमने किया है हमें वही मिलेगा। और क्या बताया। अरे चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। अरे उसकी लेन देन की वंदे रीत बड़ी है बाकी। अरे उसकी लेन देन की वंदे रीत बड़ी है बाकी। अरे चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की वंदे रीत बड़ी है बाकी। अरे समझदार तो चुप रहता है, हाँ अरे समझ
समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता। मेरे दाता के दरबार में सबका है भई खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका है भई खाता। प्यारे दुनिया के सामने हम बड़े चतुर बनते ही, गरीबों के पेट को काटते ही, उनका हक छीनते ही। यहाँ जे चालाकी चलेगी, लेकिन जब हिसाब जोड़ा जाएगा दाता के दरबार में तो सब निकल के आ जाएगा, क्या किया है और क्या नहीं किया है। इसलिए प्यारे अंतिम बंद में क्या बताया है, हमें क्या करना चाहिए। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म कराए काला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। हाँ लाख आंख से देख रहा तुझे देखने वो वाला, अरे लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उजली करनी कर ले बंदे, कर्मन करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अरे उसकी तेज नजर से बंदे, उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता, मेरे दाता। मेरे दाता के दरबार में सबका है भई खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका है भई खाता। जो कोई जैसी करनी करता, अरे जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही पल पाता, मेरे दाता के दरबार में सबका है भई खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका है भई खाता, मेरे दाता के दरबार में सबका है भई खाता। हाँ तो मेरे भगवत प्रेमियों, शुभ नाम, प्यारा नाम, प्यारा हरि नाम जपा कर सुबह और शाम। बड़ी विचित्र दुनिया है। एक बार हमारे कबीर दास जी हरी भजन करते करते एक गली से निकल रहे, हमारे कबीरदास जैसे ही आगे बढ़े ही, वहां उन्होंने क्या देखा कि कुछ स्त्रियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं, हंसी दिल की कर रही हैं, बातें कर रही हैं। एक स्त्री जिसकी नई नई शादी हुई थी और उसे शगुन में बहुत ही सुंदर नथनी मिली, और उस नथनी को अपनी सहेलियों को दिखा रही और बार बार नथनी के बारे में बात कह रही, ये नथनी ऐसी है, ये नथनी वैसी है, इतनी सुंदर है। खास उन्होंने मेरे लिए भेजी है, बार बार उस नथनी की ही बात कर रही थी। और उनके पीछे कबीर जी के कानों में ये सारी बातें जा रही थी। तेजी से कदम बढ़ाते हुए कबीर दास जी पास, और कबीर दास जी ने एक बात कही, अरी बहन
नथुनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। नाक दीनी करतार ने उनको दिया विशार। सोचो बहन बेटी, अरे जिसने नथनी दिया उसका चिंतन आप बार बार कर रही हो, लेकिन जिसने नाक दी है, सोचो ही यदि नाक ना होती तो नथनी आप कहां पहन। प्यारे ये कहानी किसी और की नहीं है, कहानी हमारी तुम्हारी है। जीवन में हम तुम भी यही करते हैं, भौतिक वस्तुओं को हम तुम अपना मान बैठे हैं, उसे अपना सब कुछ मान बैठे हैं, उस परमात्मा को भूल चुके हैं। अरे ये दुर्लभ मनुष्य दी है परमात्मा ने, हैं? वस्तुतः ये सारी वस्तुएं, ये संबंध, ये रिश्ते नाते, हैं? अगर ये शरीर ना दिया होता तो बिना शरीर के ये रिश्ते नाते और ये सब कुछ कहां से आते प्यारे, सोचिए। इसलिए जिसने ये शरीर दिया, अरे उसको भी थोड़ा याद किया करो, उसको अभी थोड़ा नाम लिया करो। सुनते हैं इस भजन के द्वारा। हे हरि के बंदे सुनिएगा, क्या है दुनिया में शुभ नाम। शुभ नाम प्यारा नाम, शुभ नाम प्यारा नाम, प्यारा प्रभु नाम, जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। सुबह और शाम प्यारे हम अपने परिवार को याद करते हैं, लेकिन जिसने ये जीवन दिया, मानव का शरीर दिया, घर दिया, उसे भूल जाते हैं बाहर जाके। हाँ शुभ नाम प्यारा नाम, शुभ नाम प्यारा नाम, प्यारा प्रभु नाम, जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। और प्यारे क्या करना है सुबह शाम। तूने खिलौनों में खोया, हाँ आई जवानी तू मस्ती में सोया। यारे चली जा रही है, चली जा रही है आनंद धाम, जपा कर सुबह और शाम, जपा कर सुबह और शाम। यारे धीरे धीरे ये जीवन बीता जा रहा है, जाग ले और हरि का नाम जप ले। हरि बोल, जय हो।
शाम जपा कर सुबह और शाम जपा कर सुबह और शाम। अरे बुढ़ापा निकल गया सुबह भी नहीं देख पाया रात में सो गया फिर क्या होता है जरा सोच। बड़े भाग्यवान स्तन पावा हाँ बड़े भाग्य से ये नर्तन मिला आवागमन का यहाँ सिलसिला है हाँ बड़े भाग्य से ये नर्तन मिला है आवागमन का यहाँ सिलसिला है। लिखी जा रही है पगले लिखी जा रही है पगले कर्मों का नाम जपा कर सुबह और शाम जपा कर सुबह और शाम। शुभ नाम प्यारा नाम प्यारा हरि नाम जपा कर सुबह और शाम जपा कर सुबह और शाम। हाँ तो मेरे सत्संग प्रेमियों सत्संग एक ऐसी औषधि है जो एक मानव के लिए बहुत ही जरूरी है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है जिसके जीवन में हरि का नाम नहीं है उसका जीवन एक पशु के समान बताया गया है। उस प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है हमारे तुम्हारे ऊपर जो ये मानव का शरीर दिया। रामायण भी कह रही है ना साधन धाम मोच कर द्वारा पाए न यही परलोक सवार। ये साधनों का धाम है ये मोच के दरवाजे तक हमें पहुंचा सकता है और कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसके द्वारा आप अपने जीवन का कल्याण कर सको क्योंकि और जो योनियां हैं वो तो भोग योनियां है प्यारे। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती इस दुनिया में मैंने बहुत देखा एक छोटी सी जिंदगी में मैंने अनुभव किया है चूहा अगर पत्थर का हो तो लोग उसे पूजते हैं। चूहा अगर पत्थर का हो तो लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन अगर जिंदा हो तो उसे मार देते हैं। घर में अगर चूहा जिंदा दिख जाए तो उसे मार देते हैं। ऐसे ही सांप अगर पत्थर का हो तो लोग उसकी पूजा करते हैं। सांप सर्प जो होता है अगर पत्थर का हो तो लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन अगर कहीं जिंदा दिख जाए हाँ तो उसके पीछे पड़ जाते उसे मार देते। सोचिएगा ऐसे ही हम तुम अपने जीवन में कितनी बड़ी भूल कर बैठे हैं। माँ बाप जिंदा हैं तो हम उनकी पूजा नहीं करते हम उनकी सेवा नहीं करते
हम उनकी देखभाल नहीं करते, मरने के बाद हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी तस्वीर लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। बस यही कमी है, बस यही हम धोखा खा बैठे हैं। हम पत्थरों को पूज रहे हैं और मानव से घृणा कर रहे हैं, जीव से घृणा कर रहे हैं। इसलिए इंसान हे मानव, ये शुभ कर्मों से मानव का चूल्हा मिला, ये सिलसिला आने जाने का चल रहा है और चलता ही रहेगा, कभी बंद होने वाला नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हरि का नाम ले प्यारे, उमरिया थोड़ी है, यूं ही मत इसे गमा। सुनिए इस भजन के द्वारा क्या बताया है। प्यारे डीजे बड़ी ही सुंदर बात कही है इस निर्गुण भजन के द्वारा। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सराहने खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। बिहारे मौत सर पर खड़ी है, न जाने कब हमें अपने साथ लेकर के जाए, लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की। और जिनके पास तैयारी है वो सीना चौड़ा करके तैयार रहते हैं, वो कभी मौत से डरते नहीं है। और डरते कौन है, आइए सुनिएगा। किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। जो भी आया जाएगा वो बंद होगा ना, हो बंद होगा ना ये सिलसिला। प्यारे आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा, ये बंद होने वाला नहीं है। किन शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। जो भी आया है जाएगा वो बंद होगा ना ये सिलसिला। शास्त्रों की कहती हर एक कड़ी, याद कर ले, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। शास्त्रों की हर एक कड़ी यही कहती है, जैसी करनी और वैसी भरनी प्यारे। और क्या बताया सुनिएगा। इस जवानी पे इतराना
तू बातों बातों में ढल जाएगी, भूला सीना सुकुड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। प्यारे ये भूला हुआ सीना सुकड़ करके छोटा सा हो जाएगा, कमर झुक जाएगी और जवानी डल जाएगी। इस जवानी पे इतरा न तू बातों बातों में ढल जाएगी, भूला सीना सुपुड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। टेक करके हो टेक करके चलेगा छड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। हरी बोल। प्यारे अंत में फिर एक लकड़ी का एक छड़ी का सहारा लेगा और उसे लेकर के मटकता हुआ धीरे धीरे चलेगा, तुझे कोई रास्ता भी नहीं दिखाएगा बताएगा, इसलिए जाग जा। और क्या जो भी करना है ले आज कर, कुछ कवर प्यारे कल की नहीं, मानव जीवन को कर ले सफल, देर इसमें पल की नहीं। प्यारे देर करने से कुछ नहीं होगा, ओ जो भी करना है ले आज कर, कुछ कवर प्यारे कल की नहीं, मानव जीवन को कर ले सफल, देर है इसमें पल की नहीं। टूट श्वासों की कब जाए हो, टूट श्वासों की कब जाए लड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। हो उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। इस बवाल में फंस के हरी से दूर होता हुआ चला जा रहा है, जरा सोच तू क्या कर रहा है और क्या कर थी। तो कुछ दूर कुएं पर एक किसान बैलों से रहेट चलाकर खेतों में पानी लगा रहा। वो मुसाफिर कुएं पर आया, घोड़े को रहेट में से पानी पिलाने लगा, पर जैसे ही घोड़ा झुककर पानी पीने की कोशिश करता है रहेंट की ठक ठक की जो आवाज से डर कर पीछे हट जाता है। फिर आगे बढ़कर पानी पीने की कोशिश करता है फिर रहेंट की ठक ठक। मुसाफिर कुछ क्षण तो यह देखता रहा, फिर उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए अपने बैलों को रोक लो ताकि रहेंट की जो ठक ठक बंद हो, जो मेरा घोड़ा है वो पानी पी सके, रोक लो थोड़ी देर।
अब किसान ने कहा, भैया जैसे ही बैल रुकेंगे कुएं में से पानी आना बंद हो जाएगा, जैसे ही मैं बैल खड़ा करूंगा है तो कुआ में से जो पानी आ रहा है वो बंद हो जाएगा, इसीलिए पानी तो इसे हाँ ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही प्यारे मेरे कहने का मतलब है, ठीक है ऐसे ही यदि हम सोचें कि जीवन में जो ठक ठक जो हलचल बंद हो तभी हम भजन करें, संध्या करें, वंदन करें हैं आदि करें, तो यह हमारी भूल है। हमें भी जीवन की ठक ठक हलचल में से ही समय निकालना होगा, तभी हम अपने मन की तृप्ति कर सकेंगे, वरना उस घोड़े की तरह हमेशा हम प्यासे ही रहेंगे। सब काम करते हुए, सब दायित्व निभाते हुए प्रभु स्मरण में भी भले लगे रहना ही होगा हमें, क्योंकि जीवन की ये ठक ठक तो चलती रहेगी लेकिन इसके साथ साथ प्रभु का नाम भी लेना हो। आइए तभी चलते हैं हरि के भजन। हो कैसी भूली गयो ईश्वर को, बस के माया जाल में, हो कैसी भूली गयो ईश्वर को, बस के माया जाल में, माया जाल में, रे बंदे कौन बवाल में, हो कैसी भूली गयो ईश्वर को, बस के माया जाल में। बेड़ियों में अरे प्यारे, इन बेड़ियों से बाहर निकल और देख कि तुझे मानव का शरीर क्यों मिला रहा। अरे गर्भ मासु में वायदा की ना, बाहर आई नाम नहीं लीना, गर्भ हो गर्भ मासु में वायदा की ना, बाहर आई नाम नहीं लीना, हाँ राम नाम ना भजो फसो तू कौन जंजाल में, हो कैसे भूली गयो ईश्वर को, बस की माया जाल में। धीरे धीरे हैं, गर्भ मास में वायदा किया वो भी बीत गया, बाहर आ गया, फिर क्या होता है। बालापन हंस खेल गवा, ढल गई जवानी बुढ़ापो आयो, प्यारे बालापन खेलने में गुजार दिया और जवानी ढल गई फिर बुढ़ापा आ गया। बालापन हंस खेल गवायो, ढल गई जवानी बुढ़ापो आयो, हाँ होकर मद में
बच्चे हो गए, परिवार में बिजी हो गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन फिर भी माया में फंसा पड़ा है। मन मरा न माया मरी और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी यूं कह गया कवि। जवानीपन में इश्क कमायो, वायदा से नहीं घबरायो, हो जवानीपन में इश्क कमायो, वायदा से नहीं घबरायो, पढ़ो पढ़ो सड़ जाए आम जो सड़ता पाल में, कैसे भूल गयो ईश्वर को पस के माया जाल में। धन दौलत सब ही रह जावे, पाप घटरिया संग में जावे, अरे धन दौलत सब ही रह जावे, पाप घटरी या संग में जावे, अरे हरि नाम ना लियो फसो तू कौन जंजाल में, हो कैसे भूल गयो ईश्वर को पस के माया जाल में, हो कैसे भूल गयो ईश्वर को पस के माया जाल में। हाँ तो आइएगा गौर करते हैं इस संगीत और सत्संग के महासंगम के द्वारा कितनी सुंदर बात बताई गई है। जो इंसान भक्ति से दूर है, प्रभु के नाम से दूर है, उन्हें प्रभु के नाम से जोड़ने का हमें प्रयत्न करना चाहिए और उन्हें संतों की शरण में, संतों का स्टूडेंट बन करके उन्हें ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि भगवान की हमें प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि समय नहीं है हमारे तुम्हारे पास। हम कहते हैं ना कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन प्यारे पता किसी को एक पल का नहीं है। ऐसे ही एक पति और पत्नी थी जो आपस में बड़ा ही प्रेम किया करती थी। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी ही भगवत भक्त थी और समय समय पर अपने पति से वो एक ही बात कहती थी कि आप भगवान का भजन किया कर, लेकिन वो यही जवाब देते थे अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी कोई करना जरूरी नहीं है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, आगे मैं भगवान का भजन कर लूंगा। जब जब उनकी पत्नी ये कहती तब तब वो यही कह करके उन्हें समझा देते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, एक दिन उनके पति को बहुत तेज बुखार आ गया। जब बहुत तेज बुखार आया, इधर में क्या होता है, डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने दवाई दी। जब दवा दी और उन्होंने समझाया, बहन जी ये दवा अभी आपको एक घंटे बाद देनी है और ये शाम को देनी है, फिर सुबह शाम खिलाते रहना और ये स्वस्थ हो जाएंगे।
डॉक्टर साहब दवा देकर के चले गए, लेकिन एक घंटा व्यतीत हुआ, पत्नी ने दवा नहीं दी। भाई साहब ने बुलाया, अरे जो डॉक्टर साहब दवा देकर के गए थे उस दवा को लेकर के आओ, उसका समय हो गया है, मुझे खानी है। उन्होंने कोई गौर नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं की, बहुत देर हो गई। कहा, अरे तुम दवा क्यों नहीं दे रही हो? अगर मैं दवा टाइम पर नहीं लूंगा तो फिर मैं सही नहीं हो पाऊंगा, इसलिए दवा मुझे टाइम पर खानी होगी, डॉक्टर साहब बता करके गए हैं। पत्नी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। कई बार उन्होंने ऐसा कहा तो उनकी पत्नी ने कहा, अरे क्या करोगे अभी दवा खा के, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, आगे दवा खा लेना। कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? हैं? क्या तुम पागल हो गई हो? अगर मैं दवा टाइम पर नहीं लूंगा तो फिर मेरा बुखार, मैं स्वस्थ नहीं हो सकता ना, इसलिए दवा तो मुझे टाइम पर लेनी पड़ेगी। कहा, स्वामी वैसे मैं दवा के लिए मना नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जिस प्रकार से आप कह रहे हो ना, मैं दवा टाइम पर नहीं लूंगा तो मैं स्वस्थ नहीं हो सकता, मैं अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे ही जब जब मैं आपसे कहती थी कि आप भगवान का भजन करो, तो आप एक ही बात कह के टाल देते थे कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। अरे जिस प्रकार से इसी समय आज ही आपके लिए ये दवा जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे तुम्हारे सबके लिए ये भगवान का भजन, भगवान का नाम लेना भी बहुत ही जरूरी है। मैं दवा के लिए मना नहीं कर रही हूँ, दवा खाओ, लेकिन जिस प्रकार से दवा जरूरी है उसी प्रकार से राम नाम रूपी दवा भी उतनी ही जरूरी है। और क्या बताया है भजन के द्वारा, गौर करिएगा। प्यारे, इंसान प्रभु के नाम से दूर होता हुआ चला जा रहा है, लेकिन प्यारे हम भगवान के नाम से दूर हो जाएंगे तो फिर हमारा जीवन, ये मानव शरीर का जो उद्देश्य है वो है नष्ट हो जाएगा। भक्ति से प्रभु की भक्ति शक्ति से, क्यों दूर है इस भक्ति से प्रभु की भक्ति शक्ति से, मगरूर है क्यों मस्ती से, कुछ पूछ ले इस हस्ती से, ये जीवन तो एक दिन जाना है, इस हस्ती से ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के नहीं आना है, ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट के Thank you.
की है प्यारी मूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत। इस मन मंदिर में वो है उसकी है प्यारी मूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत, जहाँ भी देखूं वही दिखे उसकी है प्यारी सूरत। तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बातों में खोया, तू कर्महीन क्यों होया, क्यों व्यर्थ की बातों में खोया, दुनिया जागी तू सोया, जब आंख खुली तो रोया, ये जीवन तो एक दिन जाना है, पड़ेगा।
सुना वेदों में बहती है एक अमृत की धारा, जिसने पिया ये अमृत उसने जन्म सवारा, जिसने पिया ये अमृत उसने जन्म सवारा। अमृत की धारा, जिसने पिया ये अमृत उसने जन्म सवारा, जिसने पिया ये अमृत उसने जन्म सवारा। वो ही तो है महादानी, सब उसकी मेहरबानी, अब सी छोड़ो।